मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गाइज गूगल पे के अंदर एक फिलहाल में नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, यानी गाइज यहाँ पे एक फीचर गूगल पे के अंदर और ऐड कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे गाइज आप बैंक पे जो भी बैंक अकाउंट को आप वहाँ पे ऐड किए होंगे उस पर आप जैसे क्लिक करते होगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होता होगा मैनेज UPI नंबर, यानी गाइज ये आपको पहले नहीं देखने को मिलता होगा, ये फिलहाल में ये ऐड किया गया है। तो चलिए मैं बता देते हैं कि मैनेज UPI नंबर के मतलब क्या होता है, इसका क्या फायदा है। गाइस आपके मन में भी यही सवाल है कि मैनेज UPI नंबर का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, इस वीडियो को सुसल लास्ट तक के वॉच कर लेना है। अब सही वीडियो को देख रहे हो, आज की इस वीडियो में आपको 100% बताने वाला हूँ कि मैनेज UPI नंबर के मतलब क्या होता है, उससे आपको क्या फायदा होने वाला है। तो उसके लिए गाइस आपको पहले क्या करना है कि अगर गाइस आप अपने भाई के लिए यहाँ पे अगर आप लाइक नहीं किए तो फटाक से गाइस जाकर के एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया तो फटाक से गाइस जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बगल में जो ब्लैक घंटी है ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी इसी तरह का न्यू वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, उस वीडियो को सबसे पहले आप देख करके फायदा उठा सको। तो चलिए मैं फिलहाल में आपको बता देते हैं कि यहाँ पे गाइस गूगल पे के अंदर जो यहाँ पे नया फीचर आया है उसका क्या फायदा होने वाला है। तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना और यहाँ पे गाइस गूगल पे सर्च मार लेना। तो यहाँ पे गाइस जैसे गूगल पे सर्च मारोगे उसके बाद गाइस यहाँ पे अपडेट आ गया होगा, तो पहले फटाक से अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। अगर गूगल पे को आप यूज नहीं करते हो, अगर यूज करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल पे का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से गाइस जाकर के इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद वहां से अपना नंबर फिलअप करके यहाँ पे लॉग इन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको में भी यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या करना है कि यहाँ पे गाइस जो प्रोफाइल फोटो है उस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर, तो जो बैंक अकाउंट को आपने ऐड किया होगा वो शो हो रहा होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जैसे मैं बैंक अकाउंट पर क्लिक करता हूँ उसके बाद गए यहाँ पे आपको UPI ID शो हो रहा होगा और नीचे यहाँ पे मैनेज UPI नंबर का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो इसके मतलब क्या है, इससे क्या फायदा होने वाला है, तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसका फायदा क्या है। तो इसका फायदा ये है कि अगर गए आप यहाँ पे UPI नंबर को क्रिएट कर ले तो उसके बाद गए अपने UPI नंबर के थ्रू ही अपने पैसे को लेन देन कर सकते हो। तो चलिए मैं अब बताते हैं कि कैसे इसे क्रिएट कर सकते हो, यानी गए UPI नंबर कैसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए गए आपको इस पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे गाइस देख सकते हो, सेट योर फोन नंबर एज UPI नंबर ऑन गूगल पे, यानी गाइस आप यहाँ पे अपने गूगल पे के अंदर UPI नंबर क्रिएट कर सकते हो। और जो कि गाइस आपको यहाँ पे देख सकते हो, सेट एन 8 और 9 डिजिट UPI पिन, यानी गाइस आपका बैंक पे निर्भर करता है कि 8 डिजिट का होगा कि 9 डिजिट का होगा। उसके बाद गाइस अब आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। देख सकते हो लिखा हुआ है कंटिन्यू टू विथ टू गूगल पे एज योर डिफ़ॉल्ट UPI ऐप टू रिसीव मनी ऑन योर फोन नंबर, यानी कि अपने फोन नंबर से गूगल पे के अंदर किसी से पैसे को रिसीव कर सकते हो या फिर सेंड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपका UPI नंबर क्रिएट हो चुका है। तो अब गाइस आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस कुछ समय वेट कर लेना, यहाँ पे सक्सेसफुली आपका यहाँ पे UPI नंबर क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो गुड का निशान लग चुका है। अब गाइस आपको क्या करना है, गो इट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे गो इट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फाइनल गाइस देख सकते हो आपका UPI नंबर क्रिएट हो चुका है। अगर गाइस आप इसे डिलीट करना चाह रहे हो तो उसके बगल में आपको डिलीट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक जैसे करते हो उसके बाद डिलीट का ऑप्शन शो होगा, तो डिलीट वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना। जैसे इस पर फिर से क्लिक करोगे तो आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे गाइस फाइनली देख सकते हो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो। अगर फिर से आप क्रिएट करना चाह रहे हो तो फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फिर से क्रिएट कर सकते हो। आई होप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे UPI गूगल पे के अंदर जो नया फीचर ऐड किया गया है उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, उससे क्या फायदा होने वाला। तो अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलता है अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।